अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे Redmi Turbo 3 का, तो आप इंतज़ार ख़त्म होता है। ये मेरे पास आ गया है और इसके कलर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, स्पेसिफिकेशन भी ठीक आई है और प्राइस काफ़ी कम आए हैं Redmi Turbo 3 के। तो बॉक्स वगैरह देख लिया है, कलर्स ये पहला है, इसके अंदर तीन कलर्स आते हैं, ब्लैक, ये ग्रीन कलर है और एक सिल्वर कलर भी आया है। तो हम फिर इसकी वीडियो शुरू करते हैं। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तो फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। यह है Redmi Turbo 3 का बॉक्स, यहाँ पे ब्रांडिंग लिखी हुई है, इसमें दिख रही है। यह है Redmi Turbo 3 का बॉक्स, यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगी लेफ्ट और राइट साइड पे भी, और यहाँ लिखा हुआ है Xiaomi Hyper OS। और इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि इसके अंदर आया है Dolby Vision, Hi-Res आया है और दैट्स इट। बॉक्स खोलते हैं तो आपको जो है इसके अंदर कुछ ये मिलता है। इसके अंदर 90 वाट का ये चार्जर आया है और इसके साथ आती है टाइप सी टू टाइप ए की ये चार्जिंग केबल। केबल जो है कुछ एक मीटर की मिलेगी। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे एक केस भी मिल जाता है, ये ब्लैक कलर का केस आया है, नॉट बैड। और एक सिम कार्ड पिन भी दी गई है। तो अब हम अपने फ़ोन को देखते हैं। यह है Redmi Turbo 3 और मेरे पास एक और भी है Redmi Note 12 Turbo। अगर देखा जाए तो इसकी कैमरा जो है बड़े कर दिए गए हैं Turbo 3 के, और ये पहले वाला जो है ये Note 12 Turbo का जो है डिज़ाइन सेम ही है, मगर इसका कैमरा बड़ा कर दिया गया है। और इसका जो है पीछे का आपको जो है वो प्लास्टिक ही मिलेगी और उसका फ्रेम भी जो है वो प्लास्टिक का ही मिला है। लग रहा है कि ये मेटल का, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये प्लास्टिक का इसका फ्रेम दिया गया है। ग्रिप में देखा जाए तो ग्रिप के लिहाज से जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, शाइनिंग कर रहा है पीछे का। इसमें तीन कलर्स आए हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा इसके कलर्स। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाएंगे, एक पावर ऑफ बटन है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं, आईआर ब्लास्टर है, सिम कार्ड ट्रे है और ये टाइप सी की जो है चार्जिंग पोर्ट दी गई है। यह है इसके तीन कलर, एक ये सिल्वर है जो आपने देख लिया है, और एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। तो तीनों कलर्स में से कौन सा आपको लगता है कि अच्छा है? और इसके अंदर एक हैरी पॉटर भी आया है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मगर वो भी बाय कर सकते हो आप। डिस्प्ले की बात करें तो इसके कुछ बेजल्स आपको दिखेंगे, बॉटम के जो हैं थोड़े से ज़्यादा हैं राइट लेफ्ट, और अपर के जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इसके अंदर आपको 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। LTPO 120 हर्ट्ज़ आया है, Dolby Vision है, HDR10+ है और इसकी हाई पीक ब्राइटनेस है 2400 nits। आई प्रोटेक्शन भी आया है जो काफ़ी सारे फ़ोन्स में नहीं आता है, मगर इसके अंदर आया है। और अच्छी बात है कि आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आंखें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं ज़्यादा अर्थ से जब आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो आई प्रोटेक्शन आया है अंडर, इसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 466 PPI डेंसिटी भी है। देखा जाए तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है डिस्प्ले की, नॉट बैड। एमोलेड आया है, LCD नहीं दिया गया है, और यहाँ पे आपको बीच में जो है ये एक पंच होल जो है आपको ये फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, नाइस। अगर आपका फ़ोन गिरता है तो कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि इसके साथ आता है कॉर्निंग कोरिया ग्लास विक्टस, और इसका टेस्टिंग में वीडियो दिखाई गई है तो काफ़ी ही इंप्रेसिव लग रहा है। तो डैमेज नहीं करेगा आपकी ये डिस्प्ले को अगर ये गिरता भी है तो। ये फ़ोन मुझे काफ़ी पसंद आया है, मगर इसके अंदर एक जो है वो सेट बैक है, कैमराज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि फ्रंट कैमरा में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल, एपर्चर 2.2 है, HDR है, 1080 पे आप वीडियो बना सकते हैं, 30 या 60 FPS मिला है। 4K का इसके अंदर फ्रंट में नहीं मिला है, बस ये एक इसका सेट बैक है। बैक कैमरे की बात करें तो बैक कैमरा ठीक ही है, 50 मेगापिक्सल है, एपर्चर 1.6 है वाइड, और दूसरा आया है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, जिसमें आप 4K की वीडियो बना सकते हैं 30-60 FPS, और 1080p के अंदर 30-60 120 और 240 FPS तक वीडियो बन सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसकी जो फ्लैश लाइट है, ये इसके अंदर आपको एक लग रही है, मगर इसके अंदर दो आपको ये LED फ्लैश लाइट मिल जाएगी। Redmi Turbo 3 की हम कैमरा सेटिंग देखते हैं कि हमें क्या क्या सेटिंग मिल सकती है। पहला ऑप्शन है ये प्रो का, प्रो के अंदर जो है आप काफ़ी सारी चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, एपर्चर को चेंज कर सकते हैं और ये वाइड कर सकते हैं,
देख रहे हो, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा होता है फोटोग्राफी के लिए। प्रो का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको 0.6, 1x और 2x मिल जाएगा। अगर बहुत दूर है किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है तो इससे आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ये वीडियो का, वीडियो के अंदर जो है आप 0.6x, 1x, 2x और इसके अलावा जो है इसे मज़ीद जूम किया जा सकता है, 6x तक ये जूम हो सकता है, 6x तक ये जूम हो सकता है। क्वालिटी देख सकते हो कि कैसी है, 6x तक ये जूम हो सकता है। ये 4K 30fps है और इसमें जो है आप 60fps कर सकते हो, 30fps कर सकते हो। इसके अलावा 720 है 30fps, 1080 है 3060fps। मज़ीद सेटिंग में जाते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, सबटाइटल्स है, मोशन ट्रैकर फोकस का भी है, एस्पेक्ट रेशियो है, स्टेबल वीडियो का ऑप्शन है। ये 1080p 30fps पे जो है स्टेबल का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं 4K करता हूँ तो 4K में देखते हैं कि 4K के अंदर ये स्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है या नहीं। वाइट्स नॉट चेंजिंग, यहाँ से बंद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है ये 4K में तब्दील हो सकता है। तो उसमें जो है आपको यहाँ पे जो है स्टडी वीडियो नहीं मिलेगी 4K के अंदर, तो ये डायरेक्ट जो है वो 1080p पे ही कन्वर्ट हो रहा है, तो 4K के अंदर जो है स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। मगर इसकी अपनी होगी, तो अभी हम देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। फ्रंट कैमरा देखें तो फ्रंट कैमरा में आपको जो है 1080p 30fps और 60fps मिल जाएगा। 4K का इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, मगर 1080p पे भी जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, नाइस। और इसमें जो है वो स्टडी वीडियो का ऑप्शन नहीं है फ्रंट के अंदर। और ये वीडियो के बाद जो है ये फ़ोटो देखते हैं, फ़ोटो में जो है आपको कुछ 0.6x मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड 1x है, 2x है। स्पीड देखो तुम तो पता चलेगी क्या है। इसके अलावा जो है ये फ़ोटोज़ में जो है ये 10x तक ये जूम हो सकता है। फोकस कर रहा है ये फेसेस को, फोकस ये कर रहा है फेसेस को, देखा जाए तो देखते हैं। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा जूम होने की वजह से। ठीक है, ट्रैक कर रहा है अभी भी, नॉट बैड। इसके अलावा फ्रंट में भी जो है आपको कुछ ऐसा मिलेगा, फ्रंट में जो है आप जूम इन नहीं कर सकते हैं, HDR टर्न ऑन कर दिया है। पोर्ट्रेट देखा जाए तो पोर्ट्रेट में जो है ये फीचर काफ़ी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। बैक कैमरा देखें तो बैक कैमरे में भी जो है फीचर आ रहा है। और इसके अलावा जो है ये नाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, और नाइट के अंदर जो है वो जूम करेगा ऑब्वियसली 10x तक, जैसे फ़ोटो करती है। और नाइट मोड के अंदर जो है ये फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन फ़ोटोज़ के अंदर जो था वो फेसेस को फोकस कर रहा था, मगर अभी जो है वो नहीं कर रहा है नाइट के अंदर। मोड में जाके देखते हैं तो मोड के अंदर 50 megapixel मिल जाएगा, जो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन पर आपको फ़ोटोज़ लेके देगा। स्लो मोशन है, एडिट है, लॉन्ग एक्सपोजर भी है, AI वाटरप्रूफ, सॉरी वाटरमार्क है, टाइम लैप्स है, शॉर्ट फिल्म है और पैनोरामा है। 50 मेगापिक्सल में जो है वो 2x तक ये जूम हो सकता है, ओनली 2x तक ये जूम हो सकता है, 1x, 2x। तो अब मैं इसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट है। ये मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ Redmi Turbo 3 से, फ्रंट कैमरा से वीडियो बन रही है। और इसमें आप जो है वीडियो बनाते वक्त जूम नहीं कर सकते, और बगैर वीडियो बनाते वक्त भी जो है इसे जूम नहीं किया जा सकता है। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, 1080p 30fps से वीडियो बन रही है फ्रंट कैमरा से। 4K का इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, तो कलर ग्रेडिंग देख सकते हो इसका रिजल्ट क्या है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। और मैं अभी आपको रनिंग करके दिखाता हूँ, तो रनिंग में जो है आपको कुछ पता चल जाएगा कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी है वीडियो में। तो ये फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट है, और मैं अभी फ़ोन मेरा दूर है और मैं ज़्यादा चीख चीख के बात नहीं कर रहा, मेरी आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं है, तो कैसी इसकी ऑडियो क्वालिटी है आपको पता चल जाएगी अभी। ये मैं बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ Redmi Turbo 3 से, 4K 30fps पे वीडियो बन रही है, और ये 1x है, अल्ट्रा वाइड नहीं है। अल्ट्रा वाइड पे जब मैंने क्लिक किया तो वो 4K की वीडियो नहीं बना रहा है, 1080p पे वीडियो बन सकती है आपकी, और 720 पे वीडियो बन सकती है अल्ट्रा वाइड। अल्ट्रा वाइड से जो है इसमें 1080p 720 पे वीडियो बन सकती है, 4K पे नहीं बन सकती है। तो अभी ये 4K पे वीडियो बन रही है, 1x है, ठीक है। और मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता जूम कर रहा हूँ, ये 6x तक जो है ये जूम हो चुका है, 6x देखो,
लड़की ने कहा वो हमारी वीडियो बना रहा है, ठीक है कोई मसला नहीं है। तो ये 1x है, 1x पे जो है कुछ ऐसा रिजल्ट है। अभी मैं आपको इसमें जो है इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं इस फोन के साथ। और फिर से मैं बता दूं, कोई भी मैंने इसके साथ माइक्रोफोन अटैच नहीं किया है एक्सटर्नल, जो भी आवाज़ है वो डायरेक्ट इस फोन से कैच हो रही है। और कैसा रिजल्ट है आप मुझे बताइएगा, अभी मैं आपको रनिंग करके दिखाता हूँ। तो ये रनिंग का रिजल्ट है। टर्बो 3 के जो है प्राइसेस और वेरिएंट्स बता देता हूँ। इसके अंदर आपको चार वेरिएंट्स मिल जाएंगे। बेसिक वेरिएंट है 12GB RAM 256GB, और हाईएस्ट वेरिएंट है 16GB RAM 1TB का इसका स्टोरेज आ जाता है। और इसकी प्राइसेस वगैरह जो है मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कंट्रीज में इसकी क्या प्राइस हो सकते हैं। और इसमें एक स्पेशल एडिशन आया है जो है हैरी पॉटर, वो है 16GB RAM 512 का इसका स्टोरेज आया है, वो है 2700 RMB का। तो अगर वो पसंद आता है, अगर स्पेशल एडिशन चाहते हो कोई हो, तो हैरी पॉटर को कंसीडर कर सकते हो। तो वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।